शहर से। सरदार शहर तहसील क्षेत्र में बढ़ते डेंगू के प्रकोप के साथ ही जैसे जैसे अस्पताल के अंदर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ही अस्पताल की व्यवस्था है वह भी चरमराती हुई नजर आ रही है। तहसील का एकमात्र सबसे बड़ा राजकीय अस्पताल में ना तो मरीजों के लिए दवा है और ना ही डेंगू मरीजों के लिए ग्लूकोज की बोतलें हैं। ऐसे में यहां पर आने वाले मरीजों को आज आंसू निकल गए हैं और रोते हुए बताया कि डॉक्टरों द्वारा ना तो दवा दी जा रही है और ना ही ग्लूकोज की बोतलें दी जा रही है। ऐसे में हमें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अस्पताल में जितनी भी जांचें हैं वह सब बाहर से करवानी पड़ रही है। इसके लिए उन्हें जांचों के 600 से 800 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। इस दौरान अस्पताल के अंदर ही सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई नजर आई। अस्पताल के अंदर जगह जगह गंदगी का आलम नजर आया, जिससे अस्पताल की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं ग्लूकोज की कमी को अस्पताल के प्रभारी ने भी स्वीकार किया। अस्पताल में ग्लूकोज की कुछ कमी है, लेकिन जल्द ही इसे सुधार दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक और डेंगू का प्रकोप है, वह लगातार तहसील क्षेत्र में बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन को इस और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए था, ताकि अपना इलाज कराने आने वाले तहसील क्षेत्र के 210 गाँव के लोगों को भारी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सर मैं आज सुबह से आया हूँ सर। हाँ? अभी मैं सर एक घंटे दो घंटे से मेरे को सर इलाज हुआ है। वो बोल रहे हैं कि इधर कोई चीज हमारे पास सुविधा नहीं है, आपको जो सुविधा चाहिए बाहर से आपको करवाना पड़ेगा, इसमें कोई सुविधा नहीं है। आपको ज्यादा बात करनी है तो आप भोला जी से बात करो जाएगी। और सर मैं एक बच्ची ले, इसमें कुछ नहीं है, रेफर कार्ड बना देता हूँ, कल इस बच्चे का सर एग्जाम है। तो ये बोल रहे हैं अभी कोई सुविधा नहीं है, आपसे हमारे से ज्यादा बात करनी नहीं है, यहाँ पे आपको जो भी करना है बाहर जाके बात करो। दवाई वगैरह कहाँ के लिखी है? दवाई सर बाहर से, सब बाहर से दवाई लिखी है सर। जाँचे सब मैं बाहर से करवा के लाया हूँ, 1000 रुपए लेके आया हूँ सर। ये 600 रुपए जाँच और 650 जाँच कर दिया सर। अभी ये बोल 1000 रुपए इसमें दवाई और है सर, और इस बच्चे को कल हमारे ले जाना है, इतना पैसा हमारे पास है नहीं। अरे यहाँ पे कोई सुनने वाला बोलने वाला नहीं है, कोई बोलता है राजेश गुप्ता से बात करो, कोई इंचार्ज से बात करो, कोई किसी से बात करो, कोई यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। सबको कॉल किया जा रहा है, कोई कॉल नहीं उठा रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज की बोतल पाइप सिरिंज कुछ नहीं है सर इनके पास, ये टिक्का भी नहीं है इनके पास 20 रुपए का लगाने का। अरे ये लोग बोल रहे हैं बाहर जाओ तो सर इसको, मतलब या तो इसको लॉक लगा के बंद कर देना चाहिए, तो किसी मतलब आदमी मरीज है यहाँ पे मरे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कोई मरीज की। कोई सर यहाँ पे बोलने वाला नहीं है, कोई भी इतना मतलब मीडिया वाले भी इतने सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सुविधा नहीं है सर 1% 20 की। तो इससे अच्छा है सर हमारे इससे, या तो उसको लॉक लगा दो तो यहाँ पे आगे कोई दिक्कत नहीं है। 210 गाँव से सब मरीज आ रहे हैं, कोई 50 किलोमीटर से, कोई 40 किलोमीटर से, सब अपने अपने बच्चों को अंदर लेके फिर रहे हैं। इतने मतलब इंसान जो इतने बच्चों के ऊपर सिर्फ 5 इंसान लगे हुए हैं, ग्लूकोज लगाने वाला कोई नहीं है, पाइप की बंद करने वाला चालू करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। ये स्थिति है सर, हमारा निवेदन है सर, मैं सरदार से महेंद्र सैनी हूँ सर, मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, चाहे वो कोई भी हो सर। ये कोई बात नहीं है कोई बीजेपी या कोई मतलब कांग्रेस।